अस्सलाम वालेकुम जी, ताहिर मजीद एग्री ब्लॉग्स। दोस्तों की हाल ठीक ठाक जो? गर्मी का टेंपरेचर दिन ब दिन फिर बढ़ गया। फ्रेश बीन का अपना विजिट सी अज दोस्तों नाल मुलाकात हो जाए, नाल फ्रेश बीन का विजिट हो जाए। इस साइडां दे उत्ते हुण जिहड़ा चीज़ां शेयर करी दी जां दसी दी है कि पाकिस्तान दे विच साढ़े इलाका जिहड़ा शेखपुरा आया, फ्रैश बीन का काफ़ी रुझान घट गया है। कुछ लोग टाइमली लगाने लग पे ने बहुत जल्दी, उसकी वजह तो जर्मीनेशन का इफेक्ट आन लग पैंदा है, टेंपरेचर का इफेक्ट आन लग पैंदा है, बीज गल भी जाता है, सुक भी जाता है, काफ़ी सारिया चीज़ा जिहड़ियां आ जांदियां है। सुंडी पई है, टोरा अच्छा हो गया, चेक करो जी माशाल्लाह। दो चार चीज़ा जिहड़ियां शेयर करनियां सी, जिस तरह पहली नज़र आती तुम तेड़ा मारिया नज़र आती है कि तैयारी दे विच असी की इस्तेमाल करिए। कम से कम भी इस तरह की पैली नाइट्रोफास थले जी, जे तो डी ए पी एक बोरी पाते जो दो बोरी नाइट्रोफास पा लो, हुमकसड का एक एक बैग पा लोगे तो ऐसी शानदार ताड़ी रूं वलगी पैली हो जाएगी। वो सीड की जर्मीनेशन भी अच्छी होएगी, जेड़ा टेंपरेचर पी एच लैवल ज़्यादा आता वह भी कंट्रोल हो जाएगा, और तो हट के जिहड़ा तुहाडा हैगा आ टोरा फसल का वह भी बहुत अच्छा होएगा। और तो अगली स्टैप जिहड़ी चीज़ है कि सानू इस स्टेज पर उगी फ्रैश बीन के उत्ते की इस्तेमाल करना चाहिए है। फ्रैश बीन हुण टेंपरेचर फिर एक बार इफेक्टिड होण दिया, ज़्यादा होण दिया है। इस स्टेज पर सानू जिहड़ा हैगा आ फ्रैश बीन के उत्ते सल्फर ते जिंक, कम से कम ही जिंक जिहड़ा हैगा आ 33% जिहड़ा या 27% उन्हूं इस्तेमाल करना है। एक तो दो बैग एकड़ दे विच, क्योंकि गर्मी का टेंपरेचर बहुत ज़्यादा आ, फिर उहदे नाल तुहाडा टाइमली फसल तैयार भी होएगी, पी एच लैवल भी घटेगा, सल्फर नाल जमीनी मसाम गाला शाला कंट्रोल हो जाता है। खुराक दे विच तुसीं कैन गवारा इस्तेमाल कर सकते जो, क्योंकि यूरिया की निस्बत कैन गवारा कैल्शियम बेस खाद हैगी आ, जिहदे फायदे ज़्यादा ने, रिजल्ट भी ज़्यादा आ, जमीन का पी एच लैवल भी मेनटेन रखती आ, फिर वो ऐसी खाद आ कि जिहड़ी जमीन दे विच तुसीं इस्तेमाल करोगे तो वह आहिस्ता आहिस्ता पौधे नूं अवेलेबिलिटी उहदी उन्नी हुंदी जिन्नी जरूरत है। क्योंकि अगर तुसीं यूरिया पाते जो तो यूरिया दे नाल फौरी जिहड़ी आ यूरिया फसल दे उत्ते हो के इस्तेमाल हो के हवा च कुछ नाइट्रोजन बन के उड़ जाती है या जमीन च कुछ मुंजबंद हो जाती है। कैन गवारा फर्स्ट स्टेज दे उत्ते तुसीं इस्तेमाल करो, नाल सल्फर ते जिंक इस्तेमाल करो, तो उहदे नाल इंशाल्लाह तुहाडा झाड़ भी अच्छा होएगा तो खुराक का लहमल भी अच्छा होएगा। फ्रैश बीन पाकिस्तान दे विच अच्छी फसल सी जिहदी काश्त बहुत अच्छी जा रही सी, लेकिन हुण घट गई है काफ़ी हद तक। जिहड़ा मैं हुण रिसर्च दे विच या असी फील्ड च असी विजिट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जिहड़े आ फ्रैश बीन की काश्त छड्डदे जांदे ने, क्योंकि इहदा एक नुकसान आ मेन टॉपिक जिहड़ा तुहानूं दसी है कि एक होर इहदा इक्को ही नुकसान है कि जिस टाइम इहनूं फ्रूटिंग ते आना या तो इहनूं मुढ़ तों गाला पै जाना या इहदे उत्ते बीमारी का हमला एड्डी शिद्दत नाल हुंदा आ कि पौधे जिहड़े सारे तुहाडे डैमेज कर दिंदे ने, सुका दिंदा उस टाइम ही, तो इस तरह तुहानूं नज़र आता जिवें ब्लास्ट की शक्ल दे विच सारा किले दे उत्ते फैल गया आ। तो फ्रैश बीन जिहड़ी हैगी आ इस टाइम मेरे ख्याल नाल कि दूसरिया फसलों नालों अच्छी रह जानी है, इहदा रेट अच्छा रह जाना आ, झाड़ तो आंदा ही आंदा आ, तो लेकिन जिहड़ियां तुहानूं चीज़ा चूज़ा दसियां कि अगर झाड़ लैना आ इस स्टेज ते अमाइनो एसिड नाल सुंडी वाली स्प्रे कर सकते जो, उहदे नाल भी जिहड़ा गर्मी का टेंपरेचर वो मेनटेन हो जाता आ, जिहड़ा स्ट्रैस वगैरह हुंदा खत्म हो जाता आ। तो फर्स्ट स्टेजां दे उत्ते जिन्नी तुसीं अच्छी डोज खुराक इस्तेमाल कर लोगे उहदे नाल तुहाडा टेंपरेचर जमीनी या उत्ते मौसमी टेंपरेचर वो कंट्रोल हो जाता है, उहदे नाल फसल का टोरा अच्छा हो जाता है, तो नाल जिहड़ियां चीज़ा होंदियां है सारियां मेनटेन हो के तुहाडे झाड़ दे विच उहदे नाल ही इजाफा होंदा है। जिन्नी खुराक अच्छी दोगे फसल जल्दी तैयार होगी, मार्केट च आ जाएगी, बीमारियों तो बच जाएगी, तो उन्ना तुहाडा फ्रूटिंग दे विच इजाफा होएगा। तो बाकी जिहड़ा थले बिजाई च अगर तुहाडा हो कैपैसिटी हो तो पोटाश नाल इस्तेमाल कर लिया करो थोड़ी बहुती दानेदार, उहदे नाल इह हुंदा आ कि जमीनी जिहड़ी हुंदी आ नमकियात या दूसरे कुफते मुदाफत हुंदी उह बच जांदी हुंदी आ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੀ ਐੱਚ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।